अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोगर मोटर्स। डोगर मोटर्स पे गाड़ियों की मालूमात होती है। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के निशान को ऑल पे एंटर कर दिया करें। इस तरह मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे। आज की जो वीडियो है वो बड़ी अफादियत की हामल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिनको अगर आप उन पे अमल दरामद करेंगे तो आप अपनी गाड़ी की माइलेज को बहुत वसी कर सकेंगे और इसका बराह रास्त तल्लक आपकी जेब पे पड़ेगा। जब आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी हो जाएगी तो आपको इससे खातर खा बचत होगी। तो मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बनाकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, ये कोई मेरी तरफ से कोई मन घड़त घड़े हुए नहीं हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। जी, तो पहला पॉइंट है कि आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होता है उस टैंक पे एक कवर लगा होता है, उस कवर को गैस कैप कहते हैं। उस कवर का बड़ा अमल दरामद है, क्योंकि वो इसलिए लगाया गया है कि बाहर से हवा अंदर को दाखिल ना हो। तो तकरीबन 50% गाड़ियों में तो ये ठीक होता है और कुछ गाड़ियों में ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क होने से ये होता है कि उसके अंदर हवा चली जाती है और जब हवा चली जाती है तो उससे जो पेट्रोल है वो हवा के ज़रिए खारिज होता है, और जब वो हवा के ज़रिए खारिज होता है तो इस तरह फी लीटर एवरेज गाड़ी की मुतासर होती है। तो आप इसको यकीन कर लें कि आपकी गाड़ी का जो टैंक का कैप है वो ठीक तरह से बंद है। बाज़ गाड़ियों में बंद तो होता है लेकिन उसमें स्पेस होती है, और वो जो स्पेस होती है उससे हवा अंदर को जाती है, और जब हवा अंदर जाती है तो उससे पेट्रोल की कंजप्शन में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो आप इसको यकीन कर लें इसका कि आपका जो टैंक का कैप है वो दुरुस्त है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जिस गाड़ी का टैंक का कैप ठीक तरह से बंद ना हो तो उसकी 17% जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है, 17% उसकी माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ा मेन फैक्टर है, इसको देखना है। दूसरा पॉइंट है गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट। गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट अगर ठीक है, गाड़ी स्मूथ है, तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी और चलने में भी आपको आसानी होगी, गाड़ी को चलाने में आसानी होगी। लेकिन अगर गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो गाड़ी को तो मुश्किल होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो पेट्रोल की कंजप्शन है उसमें भी खतर खा इजाफा होता है। अगर आपकी व्हील अलाइनमेंट ठीक है और वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो उसमें आपको 10% पेट्रोल की बचत होगी, आपकी माइलेज इससे बढ़ेगी। तो ये भी बड़ा मेन फैक्टर है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर की जानब, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कि टायर्स की हवा मुनासब हो। टायर्स की हवा को कोशिश करें कि जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो टायर्स की हवा की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसमें हवा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आगे वाले टायरों में ज़्यादा हवा हो या किसी एक टायर में हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो या किसी में बहुत ज़्यादा कम हो। तो इससे भी पेट्रोल की एवरेज में फ़र्क पड़ता है, और इसकी एवरेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 3 से 4% रखा गया है। तो चौथे नंबर पे मोटर ऑयल है। जो गाड़ी में मोटर ऑयल इस्तेमाल होता है वो अमूमी तौर पे पतला इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसा किया करें कि गाड़ी में जब भी मोबिल ऑयल यूज़ करें तो वो किसी ब्रांड का इस्तेमाल करें, और ब्रांड के साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में 2 नंबरी का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छी शॉप, जो ब्रांड की शॉप हो, उससे मोबिल ऑयल ख़रीद करें, क्योंकि उस मोबिल ऑयल में थिकनेस और जो 2 नंबर मोबिल ऑयल होता है उसमें थिकनेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जो आपकी गाड़ी की एवरेज के साथ साथ आपकी गाड़ी के इंजन को भी मुतासर करता है। तो इस बात का यकीन कर लिया करें कि आप जो मोबाइल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस ब्रांड का ऊपर नाम है वो वाकई ही उस ब्रांड का है। पांचवा पॉइंट है गाड़ी की ट्यूनिंग। गाड़ी की ट्यूनिंग को 3 से 5 माह के अंदर अंदर एक दफ़ा ज़रूर आपने ट्यूनिंग करवानी है। ट्यूनिंग करवाने से तमाम पुर्जा जात, उनकी कसाई और उनको देखा जाता है, मैकेनिक अच्छे तरीके से उसको देख लेता है, उस जहाँ पे कहीं पे उसकी कोई नट बोल्ट वगैरह या उसमें जो प्लग्स होते हैं उनको 3 से 5 माह में तब्दील किया जाना चाहिए, और ये ट्यूनिंग आप 3 से 5 माह में लाजमी गाड़ी की करवाएं।
छठा पॉइंट है जिससे फ्यूल एवरेज मुतासर होती है, और वो पॉइंट है कि जो सिडान गाड़ियां होती हैं उसमें जो डिग्गी होती है, तो हम उस डिग्गी में बहुत ज़्यादा सामान लोड कर लेते हैं, और जब वो सामान ज़्यादा लोड करते हैं तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज पे भी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ छोटे लगेज के लिए होती हैं। अगर उसमें ज़्यादा लगेज रख लिया जाए तो वो फ्यूल एवरेज को मुतासर करता है, इससे भी आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल लेती है और माइलेज कम देती है। तो इस पॉइंट को भी आप मद्देनज़र रखें। इसके बाद सातवां पॉइंट है कि जब गाड़ी ज़्यादातर रोकना हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देर रोकना हो, सपोज दैट कई इशारे ऐसे होते हैं जो मिनट और डेढ़ डेढ़ मिनट और दो दो मिनट के होते हैं, जब आपको यकीन हो जाए कि दो मिनट गाड़ी खड़ी रहेगी तो आप कोशिश करें कि गाड़ी को अगर बंद नहीं कर सकते तो वहीं पे आप उस गाड़ी को रेस से पाँव जो है वो ज़रूर उठा लें। बाज़ लोग होते हैं वो रेस पे पाँव रखे रखते हैं, इससे भी फ्यूल एवरेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं तो ये मशवरा दूँगा कि आप अगर इशारा लंबा है तो अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ़ कर लें, और जैसे ही इशारा खुले तो इग्निशन ऑन करके आप गाड़ी को रवादमा कर सकते हैं। इससे चूंकि गाड़ी आपको दोबारा से गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो अपने पाँव को फ्लोर पे रखने की बजाय, फर्श पे रखने की बजाय ब्रेक पे मुसलसल रखते हैं। मुसलसल ब्रेक पे पाँव रखने से सबसे ज़्यादा मुतासर होती है फ्यूल एवरेज, और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 35% फ्यूल एवरेज का फ़र्क पड़ता है इस ब्रेक पे पाँव रखने से। और आप कोशिश किया करें कि जब ब्रेक लगाना मकसूद हो तब ही पाँव ब्रेक पे आए, अदरवाइज़ आपका पाँव फ्लोर पे होना चाहिए या एक्सीलेटर पे होना चाहिए, तो इससे भी फ्यूल एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नौवां जो पॉइंट है वो ये है कि हम गाड़ी को जब चलाते हैं तो हमें गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहिए, और नॉर्मल स्पीड में चलाते हुए हमें गियर्स का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम 70 या 70 प्लस गियर पे स्पीड पे जाएं तो हमारा जो गियर है वो ओडी गियर होना चाहिए, यानी पांचवा गियर लगना चाहिए, क्योंकि 70 प्लस जो है वो पांचवें गियर की गुंजाइश बनती है और वहाँ पे पांचवा गियर लग जाना चाहिए। अगर वहाँ पे हम सपोज़ दैट हम 100 पे जा रहे हैं और हम गाड़ी के जो गियर हैं वो पांच हैं, लेकिन हम 100 एंड 110 पे चौथे गियर में जा रहे हैं, तो इस तरह भी हमारी गाड़ी जो है वो फ्यूल ज़्यादा खाएगी और माइलेज हमें कम देगी। तो इस बात को भी आप ज़हन नशीन कर लें कि जो एवरेज बनी हुई है उसके मुताबिक ही गियर चेंज करने चाहिए और स्पीड को भी नॉर्मल रखना चाहिए। और हमारा दसवां और आखिरी पॉइंट ये है कि कुछ जो हजरात हैं वो ऐसे गाड़ी ड्राइव करते हैं कि वो यकदम से ही एक गाड़ी जो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से जा रही है उसके एक्सीलेटर को ऐसे ज़ोर से दबाते हैं कि वो फौरन से ही चाहते हैं कि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से चले जाएँ। तो इस तरह एक्सीलेटर को यकदम RPM को ज़्यादा दबाने से, ज़्यादा करने से भी जो इंजेक्टर होते हैं वो यकदम पेट्रोल को वो खींचते हैं, तो इस तरह जो फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है और इस तरह हमारी माइलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप अमल दरामद करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और आपकी फ़ी लीटर एवरेज जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, और ये आपकी जेब पे भी गिरा नहीं गुजरेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी अफादियत वाली है, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी करते जाया करें, और मेरे चैनल डोगर मोटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल के निशान